जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि जब वो यहाँ पर राज्यपाल थे तो कुछ फाइलें पास करवाने की एवज में उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी, और ये रिश्वत की पेशकश जो है लगभग 300 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद सीबीआई ने हस्तक्षेप किया, मामला जो है वो इसको लेकर दर्ज हुआ और समन जो था वो सत्यपाल मलिक को जारी किया गया था। लेकिन अब आज जम्मू में डोगरा फ्रंट शिवसेना जो है वो प्रदर्शन कर रही है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं सत्यपाल मलिक से, जो कि पूर्व राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के और वो आखिरी राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। ये प्रदर्शन जो है वो इस वक्त अशोक गुप्ता जो है उनके नेतृत्व में हो रहा है और ये लोग सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि नाम जो है वो उजागर करने चाहिए सत्यपाल मलिक को, कि आखिर वो कौन से अधिकारी थे जिन अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। 300 करोड़ का घपला है वो, तो कमिश्नर आदमी कुर्सी पर है, उसे क्यों नहीं पूछते, उसको इंटेरोगेट करो कि तुमको 300 करोड़ रुपया किसने कहा जो तूने जाकर के राज्यपाल को बताया। फिर राज्यपाल को जब पता चल गया कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा शांत हो जा, तो तू कुर्सी पर क्यों बैठा रहा, तू क्यों कहा राज्यपाल बना, असम का क्यों बना, मेघालय का क्यों बना, जवाब दो ना। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, तब अगर तुम सही बंदे होते तो आप राज्यपाल की कुर्सी पर बैठ करके जम्मू कश्मीर से त्याग पत्र दे देते। कि मेरी बात को नहीं सुना गया, आर्मी बीच में इन्वॉल्व थी, शहीद नहीं होने चाहिए थे, तू त्याग पत्र दे करके बाहर आ जाता, क्यों नहीं आया रिटायरमेंट के बाद, तुमको क्यों याद आया। और श्रीमान सिन्हा साहब और श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय, आपकी फोटो लेकर के कह रहा हूँ, जिस कमिश्नर ने बताया वो अभी तक गवर्नमेंट के अंदर क्यों है, उसकी इंटेरोगेशन क्यों नहीं होती, उसे जानकारी प्राप्त क्यों नहीं होती कि किस बंदे ने, आपको कहाँ से सूचना आई कि 300 करोड़ का घपला इसके अंदर हो रहा है। उस कमिश्नर से भी इंक्वायरी करो, उसको भी सीआईडी के पास भेजो और उसे पूरी जांच पड़ताल करने का प्रयास करो। आपका कोई सवाल है तो करो भाई। पुलवामा पर भी उन्होंने, पुलवामा के अंदर चुप लेने के लिए कहा था, लेकिन मैं कुर्सी के साथ चिपका रहा, मैं कुर्सी से नहीं हटा, मैं यहाँ से कुर्सी छोड़ी तो मैं गोवा वाली ले ली, गोवा की छोड़ी मैंने मेघालय वाली ले ली, मेघालय की छोड़ी मैंने असम वाली ले ली, तब तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं आई। तुमको अंतरात्मा की आवाज़ कब आई, जब तूने त्याग पत्र दे दिया, जब तू रिजाइन हो गया, जब बेला हो गया, तब तुमको याद आया। अरे मैं फकीर हूँ कि जेब में देखना पड़ेगा वो फकीर है कि नहीं है, किस बात का फकीर, कुर्सी पर बैठ करके फकीर नहीं बना। राज्यपाल की कुर्सी पर बैठ करके जब प्रधानमंत्री वो कहता है कि मुझे कहा शांत हो जा, तो उसने त्याग पत्र देना चाहिए था, फकीरी तो तब नजर आती, जब सब कुछ छूट गया उसके बाद फकीरी नजर आ रही है, वो फकीरी नहीं नजर आती जी। आनंद ले लिया तुमने सारा, है तेरे की यशीली पूरी, चार जगह राज्यपाल रहा उसके बाद फकीरी याद आई। इस तरह के फकीर जम्मू के अंदर बड़े घूमते हैं और उनमें से वो भी एक फकीर है, मैं उसके विषय के अंदर इतना ही कहने का प्रयास करूँगा। ये थे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता, जो प्रदर्शन कर रहे थे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ। ये कह रहे हैं कि जब सत्यपाल मलिक यहाँ पर थे, जब उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी फाइलें पास करने के बदले, आखिर उस समय उन्होंने सामने आकर इस तरह का बयान क्यों नहीं दिया। और ये सवाल उठा रहे हैं कि कई जगह राज्यपाल रहने के बाद उन्हें इस तरह की बातें जो हैं वो क्यों याद आई। उन्होंने ये भी मांग की है कि सत्यपाल मलिक जो हैं उन्हें उस अधिकारी का नाम जो है वो सार्वजनिक करना चाहिए, और उन्होंने जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा उनसे भी अपील की है कि अगर सत्यपाल मलिक ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि किसी ने उन्हें रिश्वत की पेशकश दी थी, तो आखिर वो इस समय कुर्सी पर क्यों है, वो अधिकारी जेल में क्यों नहीं है। रवि शर्मा, UNT जम्मू।